हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स मी नेहा, इट्स मी रितिका। तो गाइस, जैसा कि आज नवरात्रि का सिक्स्थ डे है। हाँ भगवान, कहाँ से ये आवाज आ रही है? मतलब देखो, काम लगा है ना। हाँ, बेड का काम हो रहा है हमारे। तो मुझे पता है हमारे घर में काम लगा है। मतलब पहले पूरे घर का तो काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद अभी और अभी सब साफ सफाई हो गई है बहुत अच्छे से, इसीलिए बाहर काम लगा है। और अच्छी बात ये कि अब जो भी काम लगा है वो बाहर लगा है, बाहर से साफ सफाई हो जाएगी। यार हम लोग तो साफ सफाई करते करते थक गए, और अभी भी हमारा रूम उसी तरह थोड़ा बहुत फैला है। लेकिन हाँ, सब फाइनल हो जाएगा। दुर्गा पूजा हम देखने जाएंगे यार। आज से शायद माता जी का चेहरा खुल गया होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ खुल तो जाना चाहिए। इस बार जाएंगे मैं, मम्मी, तुम, भैया। कब आज है कल? मेरे ख्याल से कल चलते हैं। व्रत तो हम लोग को परसों रहना है ना शायद। हाँ वो तो परसों रहेगा हमारा। हाँ गाइस, तो पता है आपको, इस बार अष्टमी नवमी दोनों एक ही दिन पड़ गया, जिस वजह से फास्ट मतलब जो 9 दिन का उनका तो रहेगा ही, बट जो अष्टमी वाले हैं उनको भी उसी दिन रहना पड़ेगा। तो हम लोग भी उसी दिन फास्ट रहेंगे। तो मम्मी क्या बोल रही है कि हम लोग पहले चलते देख कर आ जाते दर्शन करके। देखो मेन चीज़ ये मेरे लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि मेरा रिजल्ट आ रहा है। आज रिजल्ट आ रहा है, देखते हैं कि तूने क्या लिखा है और कितना तू पाई है। जैसे कि सितंबर में मेरा हाल फाइनल एग्जाम चल रहा था, और यार क्लास 11 की स्टार्टिंग है, तो मेरा पहला पेपर था क्लास 11 में। जैसे क्लास 9 में भी मुझे डर लग रहा था, वो होता है ना थोड़ा न्यू सब्जेक्ट, न्यू स्ट्रीम सब रहता है थोड़ा सा। मतलब क्लास 9 में भी दीदी जब बेस की स्टार्टिंग थी ना, मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मार्क्स थोड़े से डाउन, और हाँ, और वो था इकोनॉमिक्स, सिविक्स। फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, जो फर्स्ट आता है वो कैसे लाता है। हाँ तो ठीक है, देखते ना बताने कितना आएगा। मैं तो अपनी तरफ से अच्छा लिखी थी, अच्छा दियो, पता चल जाएगा। और पता चल जाएगा, और अभी स्कूल भी जाना तो फोन लेकर जाना, ठीक है, ताकि थोड़ा जाऊंगी। हाँ इधर उधर का सारी चीजें। गाइस आप सबको पता है, मैं क्या सोची, क्योंकि वैसे भी हम लोग घर का सारी चीज दिखा के लोगों को बोर कर देते हैं, जो ही कुछ मिला थोड़ा बाहर जाने को, तो तुम फोन लेकर जाना। नहीं, मैं फोन लेकर ही जाऊंगी, और रिजल्ट भी आप सबको दिखाऊंगी, लेकिन रिजल्ट तो घर पे आने के बाद दिखाऊंगी, ऐसे पेज नहीं दिखाने वाली, बताऊंगी कितना परसेंट आया। तो अभी मैंने पापा से बोल दिया। अच्छा सुनो, अभी ब्रेकफास्ट में तो सैंडविच बन रहा है ना, और पापा जलेबी लाने का पता है, मतलब एक इंसान को फिक्र होती, टेंशन होती है। मैं मस्त 8:30 बजे उठ के पापा से कह रही हूँ, पापा मेरा पीटीएम है, मैं रिजल्ट लेने जाना है। नो फिक्र, नो टेंशन, इतना भी फ्री नहीं होना चाहिए। बस जाना है तो जाना है, बस रिजल्ट देखेंगे आ जाएंगे, लेकिन बस तो, इतना। और अभी मस्त मैं खा पी के जा रही हूँ नाश्ता वगैरह करके। तो अभी हम सैंडविच बना रहे हैं, और घर पे सैंडविच बना रहे हैं, और पापा बाहर से जलेबी लाने गए, जो कि हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। उसके बाद नहा के रेडी हो जाना, चली जाना इसको रिजल्ट लेने। देखिए जरा तूने क्या लिखा है, क्या करके आई है, मतलब कितने मार्क्स मिले हैं तुझे। होता है, मैं दिखाऊंगी। हाँ मुझे पता है, होता है जिसका आने वाला रहता है रिजल्ट, उसी को डर लगता है। मुझे दीदी मेरी आदत है, मुझे अभी घर से वैसे डर नहीं लगता, जब मैं पापा के बाइक पे बैठ जाती हूँ तो मुझे डर लगता। हाँ क्योंकि तब फाइनली लेने जाना होता है ना, इसीलिए अभी जैसे होता है ना, टीचर एनुअल में से निकालती है, ये लीजिए आपका रिजल्ट, तब डर लगता है मुझे कि उसमें क्या होगा। और वैसे मुझे क्लास 10th का रिजल्ट है, रब्बा कोई बात नहीं, वो याद नहीं करना। लेकिन पर अच्छा था, जो था बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरा, लेकिन पर मुझे उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। चलो कोई बात नहीं, अगर आप अपने पंचायत से हम लोग बोर कर चुके हैं आप सबको, अभी चलते हैं सैंडविच बनाने। हाँ तो ये देखो हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी है, सैंडविच है, और ये रहा, चलिए अभी चलो फिर पता करके खाते हैं। हाँ मम्मी को रख देते हैं, मम्मी बाद में खाएगी। हाँ पापा के लिए भी रख देते हैं, अभी हम तुम खाएंगे, और अभी पापा के लिए मुझे रोस्ट भी करना है अभी से बचा। तो चलो ये हम लोग खा लेते पहले, बाकी रख देते हैं। तो अभी ये देखो मैं यहाँ पे सैंडविच खाने जा रही हूँ, और ये देखो ये रही जलेबी, और ये सब भी, मतलब ये सब भी मैं खा तो रही हूँ, लेकिन पर अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मेरा रिजल्ट आने वाला है। और ये देखो यहाँ पे दीदी खा रही है, अभी मैं खाती हूँ। यार मैं तो पता है व्लॉग बनाने में ही रह जाती हूँ, इधर उधर करते करते खाने में सब कुछ ठंडा हो जाता है मेरा। सो यार गाइस देखो, अभी हमारे घर पे पूजा वगैरह हो गई है सब कुछ, एंड अभी तो मैं शावर लेके आ चुकी हूँ, एंड अभी देखो मैं तैयार होने जा रही हूँ। अभी मैं ड्रेस पहन के तैयार होती हूँ, और अभी चलती हूँ, दीदी क्या कर रही है देखते हैं उसे भी। दीदी तुम क्या कर रही हो? पापा के लिए सैंडविच लेके जा रही हूँ। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ रेडी होने। हाँ ठीक है, तो स्कूल जा रहा। हाँ तो अभी आप सबको पता है मैं जा रही हूँ रेडी होने, एंड ना अभी मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज बढ़ रहा है। यार जरूरी नहीं कि क्लास 10th का ही रिजल्ट हो, क्लास 12th का रिजल्ट हो, या कोई कंपटीशन का रिजल्ट हो तो ही डर लगता है, चाहे कोई भी रिजल्ट हो, सबके लिए सबका वही हालत होता है। तो वैसे अभी मैं क्लास 11th का अपना रिजल्ट लेने जा रही हूँ। इससे पहले तो मैं बहुत शेयर बन रही थी कि मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन सच में अभी डर लग रहा है, क्योंकि अभी यूनिफॉर्म पहनने के बाद आ गए पापा कहें, अभी यूनिफॉर्म जल्दी से पहन लो, एंड अभी चलते हैं। तो मैं जल्दी से रेडी।
तो गाइस नैन्सी यहाँ पे रेडी हो गई है, क्या ढूंढ रही हो? अरे मैं प्लास्टिक ढूंढ रही हूँ जिसमें मुझे सब लेके जाना है ट्वेल्थ रजिस्ट्रेशन के लिए। तो कोई भी ले लो, बस छोटा ले लो और क्या। अब ऐसा मत ले लेना कि लाइक शॉपिंग करने जा रहे हैं। वो तो सच में मैं करने जा रही हूँ, पापा मुझे सिर्फ रिजल्ट के लिए लेके जा रहे हैं, बहुत कुछ काम कराने के लिए। अच्छा हाँ तो ठीक है ना, दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, इस तरह एक ही बार में काम हो जाएगा। एक प्लास्टिक अरे यार उधर ही जाके ढूंढ लो ना। और सुनो ये फोन लेकर जाना ठीक है, और जो भी वीडियो बनाते बनाएगा एक प्लास्टिक दे दो बड़ा सा। सुनो वीडियो बना लेना जो भी बनाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है। A few moments later. इसे क्या हो गया? किस बात की मतलब इतनी ज्यादा खुशी तुझे किस बात की है? नैन्सी 101% आ गया क्या? पागल हो, बताओ तो सही हुआ क्या? मैं क्लास में सेकंड रैंक हूं। अरे बाप रे, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना परसेंटेज आया? 80% है। अच्छा 80% है, बताऊंगी। हाँ नहीं सही है, बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे दिखाओ रिजल्ट, मैं तो देखो कितना मार्क्स पाई हूँ। खुद दुष्ट हो तुम, दो मैं देखूं। वैसे चलो बहुत बहुत अच्छी बात है नैन्सी। हाँ यार ये क्या काम चल रहा, खटखट आवाज आ रही है। ये सबके साथ होता है, अगर पापा की जगह मैं भी जाती हूँ तो मैं वो सब इग्नोर करके पहले ही बोलती, इसमें तो तुम्हारा कम आया है। कमी आया है ऐसे ही पापा कह रहे हैं, मतलब ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा सेकंड रैंक है, अच्छा है, मतलब वो नहीं बोल सकते ना, अगर बोल देंगे तो तुम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओगी कि चलो अच्छा आ गया, इतनी मैं तो खुश हो जाऊंगी। इसलिए मैं खुद नहीं बोलूंगी तुम्हारा कैसे कम आया, जिसमें भी कम आया हो, अभी तो मैंने देखा नहीं है। अब से उसकी अच्छे से पढ़ाई करनी ठीक है, मतलब सारा तो करना बट उस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि सोचो अगर अगर उसमें अच्छा आता तो फिर अभी और भी अच्छे परसेंटेज आ सकते थे। एक लड़की आगे, मेरा मतलब कोई लड़की फर्स्ट आई है, लड़का टीचर्स कुछ बोले? हाँ मैंने कहा वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो पता है मैं ट्राई करूँगी सेकंड टर्म में 90% लगाऊंगा। सुन लो गाइस आप सब भी, ये ट्राई करेगी और सच में अच्छी बात है, उतना ही आ जाओ, उससे ज़्यादा आ जाए यार, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा गर्मी है तो मुझे गुस्सा आ गया, पापा प्लाईवुड की दुकान पर लेके आओ मुझे ऐसे प्लाईवुड। मैं पूरे कल मैं भी तो गई थी, कल मैं गई थी तो मैं फेविकोल का डब्बा, टेप, पता नहीं क्या किल वगैरह सब देखते हुए आ रहे थे। वो भी यूनिफॉर्म में, हाँ इसको पापा बोल रहे थे ना कि सिविल में चलो घर का कपड़ा पहन के। नैन्सी तुम पूरी पागल हो, पापा इसको बोल रहे थे कि घर का ही कपड़ा पहन कर चलो कलरफुल, लेकिन नहीं बोली मैं यूनिफॉर्म में चलूंगी, प्लाईवुड तो पकड़ना लेके बैठ जाएंगे। सुनो दो रिजल्ट देखूँ मैं दिखा रही हूँ ना, दिखाओ यार तो तुम तो देख ली ना, मुझे तो मैं देखूँ। हाँ दो आया है, अच्छे से लोड भी रही हो, अभी कम आते तो तुमको बताते, तुम्हारे सब छुड़वा के बैठा देते। लेकिन पर इतना भी अच्छा है मुझे, बिल्कुल लाना चाहिए था बट कोई बात नहीं, ये हाँ फ्रेंडली था। अभी तुम एनुअल में नेक्स्ट टाइम अच्छे से वो करना, यूटी वगैरह सब में अच्छे मार्क्स लाना, और भी एनुअल नैन्सी मुझे कुछ खिलाओ, चॉकलेट टॉफी कुछ भी कुछ खिलाओ। तो नहीं मुझे मीठा नहीं खाना, पर मुझे ना तुम पानी पूरी खिला देना, मेरा फेवरेट। ठीक है ठीक है, अरे 10 रुपीस का ही खिला देना, 10 में 5, 6, 7 कुछ तो आ ही जाएंगे। चलो चेंज कर लो फिर तुम, और मैं जरा देखूँ नंबर तुम्हारा क्या आया है।